जैसे एक औरत ने तीन पीर साहब की दावत कर दी, तीन पीरों की, अब खिचड़ी पकाई, पेट खराब था क्या था अल्लाह जाने, तो बीच में घी डाल दिया, खिचड़ी गरम घी पिघल गया। अब तीनों मौलवी चाहने लगे पीर ये घी मेरे पास आ जाए, वो सोचता मेरे पास आ जाए, तीसरा सोचता मेरे पास चला जाए। तो पहले पीर ने फौरन उंगली डाली खिचड़ी में और ऐसे लाइन खींच दी और कहा, अल्लाह फरमाता तजरी मिन तहत अलनहार, जन्नत में दूध की नहर ऐसे बह रही होगी। देखा जन्नत में दूध की नहर कैसे बहेगी, खिचड़ी में उंगली डाल के खींच ली अपनी तरफ और पिघला हुआ घी सब उसकी तरफ चला गया। दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, जन्नत में उधर तो शहद की नहर बह रही होगी, दूध की नहर इधर बह रही होगी। उसने दो उंगली डाली और कहा कि तजरियाने मिन तहत अलनहार, दूध की और शहद की नहर इधर बह रही होगी। उसने दो उंगली डाल के अपनी तरफ खींच लिया। अब तीसरा दिल में सोचता कमीने मुझे क्यों मार रहे हो, तो उसने कहा, तीसरे ने बड़ा अच्छा फार्मूला निकाला, तीसरे ने कहा भाई तुम डायरेक्ट जन्नत और जहन्नम तक पहुंच गए, जन्नत और जहन्नम से पहले कयामत आएगी और जब कयामत आएगी तो जमीन में जलजला पैदा होगा, आपको मालूम है जमीन में जलजला कैसे आएगा। उसने पूरी प्लेट उठाई हो का इजा जुलजिलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला।